आज इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल जी बुडोकई टेनकैची 3 गेम को ट्राई करेंगे रियलमी 6 के साथ और ओरिजिनल एमुलेटर के साथ हम ट्राई करेंगे, क्योंकि कस्टम ये बार बार क्रैश होगा, स्टार्ट होने से पहले क्रैश होगा। और इस एमुलेटर में भी यही है, इसमें गेम स्टार्ट होने के बाद क्रैश होगा, पर फिलहाल जो मैं ट्राई करने वाला हूँ इसमें क्रैश नहीं होगा, पर जब आप ट्राई करोगे तो 100% क्रैश होगा। इसमें कुछ फंडा है, ये पता नहीं कभी कभार क्रैश हो रहा है और लगातार क्रैश होगा। सेटिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं मेरे हिसाब से, मैं बार बार चेंज करके देख चुका हूँ, इन्हीं सेटिंग्स के साथ क्रैश होता है और इन्हीं के साथ सही से चल जाता है। फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ, रिजोल्यूशन 2x पर है, डिफ़ॉल्ट हम बाकी सेटिंग्स A to Z डिफ़ॉल्ट है, ये भी दिखा देता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट है जैसे सेलेक्ट नहीं कर रखा मैंने, ये भी डिसलेक्टेड है, ये भी डिसलेक्टेड है जो हमेशा सेलेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि ये बार बार क्रैश हो रहा है, कुछ भी मैं चेंज करूँगा तो ये क्रैश हो जाएगा। तो इधर गेम स्टार्ट हुआ, 30 FPS पर है 2x रिजोल्यूशन के साथ, और कंट्रोल्स का भी इसका कुछ समझ नहीं आया मेरे को, जैसे अब ए से ब्लॉक हो रहा है, पर लास्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा था तो बी से ब्लॉक हो रहा था इसमें, अब ये बी से भागेगा, पहले ए से भाग रहा था इसे। कंट्रोल बार बार उलट पलट हो रहे हैं इसमें, गेम वैसे ठीक था अभी के लिए, आगे का पता नहीं। अगर इस गेम में आपके कंट्रोल काम ना करें तो आप गेम क्यूब वाले को डिसेबल कर देना, स्टार्टिंग में जो ऊपर ऑप्शन होते हैं इधर, वहाँ पर आपको गेम क्यूब के कंट्रोल मिल जाएंगे, उनको डिसेबल कर देना। यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप हुआ है, लास्ट टाइम नहीं हुआ था, लास्ट टाइम शायद मैंने 1x के साथ ट्राई किया था तब नहीं हुआ था, 2x के साथ है थोड़ा बहुत। माली जीपीयू के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है एमुलेटर गेम्स में, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एमुलेटर गेम्स के लिए इनको चूज ना करें, एंड्रॉयड गेम्स के लिए आप ले सकते हैं, वैसे गेमिंग में भी चल जाएंगी पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आएंगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी इनमें। एमुलेटर अगर ठीक से ऑप्टिमाइज होता है इसके लिए तो ये गेम बढ़िया से चलती, फिलहाल बढ़िया चल रही है, पर आप चलाओगे तो शायद ना चले, तो बार बार क्रैश हो। काफ़ी फ्रेंड ऑफ हुआ था यहाँ पर, साथ में वॉइस लैग थी। डाउनलोड तो इधर काफी लैग स्टार्ट हो गई है एकदम से, लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था तो लैग नहीं थी इतनी, और जो ये डॉल्फिन का ओरिजिनल एमुलेटर है इसमें 1.5x का ऑप्शन नहीं है, तो आपको 2x पर ट्राई करना पड़ेगा या फिर 1x पर, आपको 1x पर ही ट्राई करना पड़ेगा ताकि ये इस तरह की लैग ना करे। मैं एक बार दिखा देता हूँ एग्जिट करके, कि दोबारा से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ एमुलेटर को, किधर गया,
मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगर मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करता हूँ तो क्या होता है। मैंने चेक पॉइंट सेव कर रखा है, तो इस बार ये क्रैश हो गया है। इसके बारे में मैं कह रहा था कि सेटिंग्स अभी भी वही थी, मैंने कोई सेटिंग्स चेंज नहीं करी है, सेम सेटिंग्स थी। और लास्ट टाइम जब मैं गेम खेल रहा था, जो अभी आपने वीडियो में देखा, तब भी यही सेटिंग्स थी, और इन्हीं सेटिंग्स के साथ अब ये क्रैश होगा बार बार। अगर मैं चेक पॉइंट से नहीं चलाऊंगा तब भी ये क्रैश होगा। अब ये चल गया, थोड़ी देर में क्रैश हो जाएगा। सो ये हो गया है। इसके लिए आपको सारी की सारी फाइल डिलीट करनी पड़ेगी, जितने भी स्टोरेज में फाइल हैं, और हर बार फाइल डिलीट करनी पड़ेगी जितनी भी हैं, और उसके बाद ट्राई करना पड़ेगा। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं चलेगा या नहीं, आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप सेटिंग्स चेंज करोगे तो आपका गेम नहीं चलेगा, और इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, या तो आपका गेम चल जाएगा ठीक से। अगर आपका गेम ठीक से चल गया तो आप कितने भी घंटे खेलो आपका गेम चलता रहेगा, पर अगर आपने रिस्टार्ट किया उस टाइम पर तो आपका गेम दोबारा से नहीं चलेगा। आपको सब कुछ डाटा क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो है गेम चलेगा। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है माली जीपीयू डिवाइस के साथ, तो ये कोई नई बात नहीं है। सो बाकी मैं यही कहूँगा कि आप इस गेम को डाउनलोड करके इस डिवाइस के साथ ट्राई ना करें। अगर कोई स्टेबल वर्जन मिलता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा, फ़िलहाल के लिए आप डाउनलोड ना करें।